कुछ नए पैंतरे सोच निकाले हैं क्या? एक दो, हाँ दो। वाह, तो दिखाओ ना, आसमान साफ है और मौसम भी बढ़िया है। वाह, ये हुई ना पार। बढ़िया मोबी। वाह, तुम तो चैंपियन हो गए हो। वैसे अच्छा हुआ कि हम दोनों ने सीट बेल्ट पहना है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, विंसी को तुमने नहीं उस अजीब सी बिजली ने क्रैश करवाया। पर आसमान में तो तूफान का कोई संकेत नहीं, तो वो बिजली आखिर आई कहाँ से? विंसी यहाँ नहीं है राजू। पर मोबी, विंसी को तो गिरने पर स्केटी बनना था ना? स्केटी के बिना इतनी दूर चलना पड़ा इस धूप में। क्यों, क्या हुआ, कहाँ गई स्केटी? हुआ यूं कि हमने वहाँ सब जगह ढूंढा, ना विंसी मिली ना ही स्केटी। अब तुम क्या करोगे राजू? सोच रहा था कि एक और बनाऊं तुम्हारी मदद से। बेटा राजू, तुमने चिकी को देखा? ओह, तुम यही हो चिकी, अच्छा हुआ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। पर डैड, मैं तो चिकी से कुछ मदद लेना चाहता था। ओह सॉरी राजू, पर अब नहीं, चिकी को फौरन मेरे साथ लैब आना होगा। ठीक है डैड। जल्दी चलो चिकी। चलिए। राजू, स्केटी का क्या करें? पर चिकी के बिना स्केटी जैसा गैजेट्स वाला स्केटबोर्ड तो नहीं बनेगा मुझसे। किसी न किसी तरह पुरानी स्केटी को ढूंढ निकालना ही पड़ेगा हमें। वापस वही? हाँ वापस वही, कल। बेटे राजू, ये एक श्रिंक गन है, अगर ये ठीक से चलने लगी तो हम पूरे देश में भारी सामान को छोटा बना के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं और फिर उसे बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, पर ये कैसे हो सकता है? तुम ये स्विच देख रहे हो, इससे हम कोई भी भारी सामान को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और ये इस गन की पावर स्विच, ये देखो। बच्चों, कल होमवर्क पूरा करके आना ही, नो एक्सक्यूजेस, कल मिलेंगी। मेरा बेटा कहाँ गया? राजू, ठीक है, चलो आइसक्रीम ट्रक के पास चलते हैं।
चिंपू के लिए वनीला, गोलू बाबा के लिए चॉकलेट और मेरे फेवरेट डॉगी मोबी के लिए। ये लो तुम्हारा फेवरेट, एक स्कूप वनीला, एक स्कूप स्ट्रॉबेरी, एक स्कूप कोकोनट और एक ब्लू बेरी। और राजू बाबा के लिए चॉकलेट। ढूंढने की पूरी कोशिश है। क्या हुआ कमिश्नर खन्ना, इतनी भीड़ क्यों है? कुछ देर पहले पता नहीं कहां से बहुत तेज रोशनी आई थी और उसके बाद आर्य नगर के सारे बच्चे गायब हो गए। क्या, पर कैसे? पता नहीं माइटी राजू। माइटी राजू, जूली और गोपी भी गायब हो गए। हाँ माइटी राजू, घबराइए मत, मैं तुम सबके बच्चों को जरूर वापस लाऊंगा। ये क्या है? ये नीले रंग के पाउडर से ही वो अजीब सी खुशबू आ रही है। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। दादी, आर्य नगर के सारे बच्चों को मैं यही ले आया ताकि वो सुरक्षित रहे। तुम फिक्र मत करो माइटी, मैं किसी को इन्हें छूने भी नहीं दूंगी। थैंक यू दादी, आप जैसा कोई नहीं। ये बिल्डिंग तो खंडर है, यहाँ आखिर कौन रह सकता है? ये तो वही खुशबू है। कौन हो तुम? मैं हूँ इलेक्ट्रो और तुम जरूर माइटी राजू हो। बिल्कुल सही कहा, और मैं आज तुम्हारे इस खेल को खत्म कर दूंगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारा खेल खत्म। ये तो कमाल है। थैंक यू मॉम। चलो अच्छा है, तुम बच्चे छुट्टियों में खूब मजे कर रहे हो। राजू, तुम्हारे खेलने के लिए एक और खास मेहमान आ रहा है। कौन आ रहा है मॉम? किमी। किमी नहीं। किमी मेरा ये हाल करती है तो मेरे दोस्तों का क्या हाल करेगी? ये किमी कौन है? बहुत लंबी कहानी है, बस यूँ समझ लो किम्मी की मस्ती से कोई नहीं बच सकता। मतलब? ओफो, किम्मी अब तक आई क्यों नहीं? छुट्टी में परेशान रहते हो? हाँ, मगर इस बार वो मेरे आर्य नगर में आ रही है। इस बार मैं इतनी बढ़िया प्लानिंग करूँगा। किमी बेटा, कितनी प्यारी लग रही हो। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम इन छुट्टियों में हमारे यहाँ आई हो। लाओ तुम्हारा सामान कमरे में रख देती हूँ। राजू, हाँ? देखो कौन आया है। मुसीबत आई है, और कौन? मुसीबत? मगर ये तो कितनी प्यारी लगती है राजू। हाय राजू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किमी। मैं हूँ जूली। हाय किमी, मैं गोपी। गोपी, कितना प्यारा नाम है। मैं तुम्हें गोपू बुलाऊंगी। इन
फूलों की खुशबू सूंघोगे गोपू? बहुत अच्छी खुशबू है। गोपी नहीं। ओहो राजू, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। पर मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं राजू, तुम बच्चे बाहर जाकर खेलो, किमी को भी साथ ले जाना। चलो दोस्तों।